चलिए कट ओके दादा चाय दीजिएगा थैंक्स पुनर्विवाह बदल रहा है अच्छा टाइम लीप आई एम श्योर 10 साल का होगा नहीं नहीं सीजन 2 हर शो का होता है ये भी नहीं टाइटल जरूर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया होगा बिल्कुल नहीं तो फिर ऐसा क्या बदल रहा है पुनर्विवाह में वैसे तो औरतों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए लेकिन आरती जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप औरत के नाम पर थप्पा हैं यश्टी मुझे माफ कर दीजिए मैं ये सब नहीं करना चाहती थी वो तो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ ना इसीलिए दूर उठाओ मेरे पति से समझ में नहीं आता तुम्हें हाँ याद रखना इशिता मेरे पति और मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ है और खबरदार अगर तुमने अब कोई भी ऐसी हरकत की नहीं तो मैं मजबूर हो जाऊंगी और कुछ ऐसा कर दूंगी जो मुझे नहीं करना चाहिए बताओ मेरा आयु कहाँ है बताओ इशिता नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी तुम्हें जो करना है कर लो मैं कभी नहीं बताऊंगी बताती हो या नहीं आरती ऐसा मत करो मैं बताती हूँ वो आयु तुम्हारे पास ही तुम्हारे घर में हमारे घर पे हमारे घर पे हाँ वो प्रतीक और परिधि ने जो बच्चा गोद लिया है वही तुम्हारा आयु है मैं सच बोल रही हूं वही तुम्हारा आयु है यशी हमारा आयु हमारे हमारे घर में है और हम उसे पहचान नहीं पाए यशी उससे पहले इशिता फिर से कोई चाल चले ना हमें घर पहुंचना होगा अपने आयु को सुरक्षित करना होगा यशी नहीं तो ये इशिता भागी जल्दी चलिए हम उसे पकड़ना होगा नहीं तो हम उसके असली घर वालों के सामने नहीं ला पाएंगे यशी चलिए मेरे साथ यशी प्लीज समझने की कोशिश आई लव यू आरती जी यशी इशिता चली जाएगी हमारे आयु को कुछ नहीं होगा आरती जी वो बिल्कुल ठीक है आरती जी आरती जी शादी के वक्त मैंने आपको वचन दिया था कि हर मुश्किल हर मुसीबत से मैं आपकी रक्षा करूंगा पर आरती जी आज आपने वो वचन पूरा किया है सच में आरती जी अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता मैं कभी अपना मुंह आपको नहीं दिखा पाता आरती जी मैं मर जाता हो ही नहीं सकता हमने तो एक दूसरे का साथ निभाने के लिए वचन लिया है हम अलग कैसे हो सकते आयु के खो जाने के बाद मुझे लगा था कि मुझे आपका प्यार कभी वापस मिलेगा ही नहीं इशिता ने बहुत कोशिश की हमारे बीच में दरार डालने की और कुछ हद तक वो कामयाब भी हुई लेकिन हमारा रिश्ता भगवान ने बनाया है और भगवान के बनाए हुए रिश्ते को कोई इंसान नहीं तोड़ सकता
इतनी ताकत किसी इंसान में है ही नहीं। आज भगवान की दया से हमें हमारा आयु मिल गया और मुझे आप, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सोच भी नहीं सकती थी इशिता ये सब कर सकती है, लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ ईश्वर हो या जिसका मन खरे सोने जैसा हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए तो आज के दिन जब सारी दुनिया मां की शक्ति की पूजा करती है, हमारी आरती को उसका खोया हुआ आयु वापस मिल गया। हम सबकी दुआएं तो थी ही तुम्हारे साथ आरती, लेकिन तुम्हारे बच्चों के प्यार ने हर कदम पर तुम्हारी हिम्मत बढ़ाई है, तो हमारी आरती की तो हार हो ही नहीं सकती ना। ईश्वर करे ये खुशी हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आज तुमने अपने पति को इशिता की गंदी चाल में फंसने से बचाया है और अपने आयु को भी पाया है, तो मेरी नजर में दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी और सबसे अच्छी मां सिर्फ तुम हो आरती। किस्मत का खेल देखिए, आयु के किडनैप के बाद उसे इसी घर में आना था और परी की गोद में भी वही बच्चा आना था। इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे। बिल्कुल, हमारे परिवार के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आपने बिल्कुल सही कहा है मां, यश और आरती को उनका आयु मिल गया है, इशिता का असली चेहरा सामने आ गया, अब तो हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं। यश चाचू, आरती चाची, देखिए ना आप दोनों का वेलकम करने के लिए कौन आया है। तभी तो जब भी मैं आपको अपने सीने से लगाती थी लगता था जैसे आप भी मां के पास आते ही चुप हो जाते थे। आपने तो अपनी मम्मा को पहचान लिया, लेकिन आपकी मम्मा आपको नहीं पहचान पाई। I'm sorry. खुशियां मना रहे कि उन्हें उनका आयु मिल गया, मेरी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। कोई नहीं सोच रहा कि मेरी गोद से छीन के आरती भाभी की गोद में खुशियां भर रहे हैं। ये गलत है प्रतीक, गलत है। आयु को हमने अडॉप्ट किया है, लीगली वो हमारा बेटा है। आरती भाभी ने तो खो दिया था ना उसे, मैं लेकर आई हूं उसे इस घर में। मैंने दूंगी आरती भाभी को, मैंने दूंगी। परी ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है परी। एंड आई नो तुम्हारे पर क्या बीत रही होगी। पिछले कुछ दिनों में जो तुम्हें आयु से लगाव हो गया मैं जानता हूं, लेकिन एक बच्चे के प्यार के लिए डेस्पिरेशन में हम सेल्फिश तो नहीं हो सकते ना। माना कि हमने आयु को अडॉप्ट किया, लेकिन उसकी असली माँ तो आरती भाभी है ना, जिन्होंने उसे जन्म दिया। और हमें एक माँ से उसके बच्चे को छीनने का कोई अधिकार नहीं है परी, है ना। प्रतीक, मैं आयु से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहती। प्रतीक, उसे प्यार करती हो ना तो तुम नहीं चाहती कि वो अपनी माँ के पास वापस चला जाए। सब कुछ जानते हुए भी हम बच्चे के साथ ज़ाती कैसे कर सकते। पर इस सच्चा प्यार खुशियां बांटने में विश्वास रखता है, छीनने में नहीं। मैं जानता हूं कि तुम आयु से सच्चा प्यार करती हो और उसे उसकी माँ से कभी अलग नहीं करोगी, है ना परी। यश
लेकिन इशिता गई कहां? तुमने उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया आरती? प्रीति तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, कोई भरोसा नहीं होता ऐसे लोगों का, कल को फिर से कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि अब इशिता ऐसा कुछ करेगी जिसकी वजह से हमें कोई परेशानी होगी। वो इतनी समझदार तो है ही, अगर वो और परेशान करेगी तो सीधे पुलिस स्टेशन में चली जाएगी। यश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इशिता ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगी। लेकिन मुझे तो एक बात की फिक्र हो रही है, जब आकाश भैया को इस बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? आकाश भैया इशिता से बहुत प्यार करने लगे, बहुत चाहते हैं वो उसे। जब उन्हें पता लगेगा कि इशिता ने ही आयु को किडनैप कराया था और यश जी पर बुरी नजर है उसकी, नशीली दवाई पिलाकर, पता नहीं वो तो टूट जाए। आकाश भैया जो कुछ भी हो उसमें यश जी की कोई गलती नहीं थी, वो तो इशिता ने मेरी पहले पूरी बात समझेगा। मैं जो आपको बोलना चाह रही हूं, आकाश भैया मेरी बात तो की गलती की हम माफी मांगते हैं आपसे, बहुत शर्मिंदा है, अखड़ है, कम दिमाग है, लेकिन भाभी इतने बेअकल नहीं कि अपने राम जैसे भाई को गलत समझे। इस राम और सीता की जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता, बेवकूफ थी इशिता जो ये समझ नहीं पाई। आज एक मां का सर तूने गर्व से ऊंचा कर दिया है बेटा, मेरा बच्चा जीता रहे। आरती भाभी, मैं बहुत खुश हूं भाभी कि आपको आपका आयु मिल गया। कुछ दिनों से आप बहुत तकलीफ में जी रही थी, जानती हूं मैं। फाइनली एक मां को उसका बेटा और उसकी बेटी को उसकी मां मिल गई। ऐसे क्यों देख रही हूं मुझे? मैं बहुत खुश हूं। और फिर आयु मुझसे कहीं दूर थोड़ी ना जा रहा, यही रहेगा, दिन रात मेरी आंखों के सामने। और क्या चाहिए मुझे? बस भाभी एक रिक्वेस्ट है, क्या एक बार मैं आपकी आयु को गले से लगा सकती हूं?
आरती। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि अपने ही बच्चे को गोद में लेने के लिए तुम्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत है? एक बार क्यों, बार बार, इनफैक्ट हमेशा इसे अपने गले से लगा के रखो और इसे प्यार से बड़ा करो। आयु तुम्हारा और प्रतीक भैया का ही बच्चा है। जन्म देने वाली हर औरत, हर वो माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, लेकिन मेरे आयु को तुम सच्ची माँ मिल ही नहीं सकती। बच्चे से दूर जाने की तड़प, वही तड़प मैंने तुम्हारी आंखों में देखी है परिधि, जो आप सबने मेरी आंखों में देखी थी जब आयु मुझसे दूर गया था। कहने को तो सारे बच्चे एक साथ ही होंगे इसी छत के नीचे, लेकिन ऑफिशियली आयु तुम्हारा और प्रतीक भैया का ही बच्चा है। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। आज आपने जो किया है शायद शायद कोई मां नहीं कर सकती। प्रतीक ने हमेशा मुझसे कहा कि आरती भाभी जैसा अच्छा और कोई नहीं। मुझे बहुत बुरा लगता था, जलन भी होती थी, पर आज मैंने रियलाइज किया कि प्रतीक ने हमेशा सही कहा। आदर्श बहू क्या होती है कि आज मुझे पता चला। शायद हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि यश भैया की दूसरी पत्नी इस तरह सबका दिल जीतेगी। छोटों को, बड़ों को, सबको अपना लेगी। लेकिन आपने आपने हम सबको गलत साबित कर दिया भाभी। इस पुनर्विवाह ने सिर्फ आपको और यश भैया को ही नहीं, पूरे परिवार को नई जिंदगी दी है। आपके इस एहसान का मैं और प्रतीक कैसे बदला चुकाएंगे? मैंने तुम पे इस परिवार पे कोई एहसान नहीं किया है परिधि। अगर मैंने तुम सबको खुशियां दी है तो इस परिवार ने भी मेरे दामन में बहुत सारी खुशियां डाली है। यश मेरे हैं आरती, सिर्फ मेरे, तुम्हारे नहीं। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। कोई नहीं है मेरे पास जिसे मैं अपना कह सकूं। तुमने मुझे यश की नजरों में तो गिरा ही दिया, मुझसे मेरे मां बाप, मेरा घर भी छीन लिया। तुम्हें तो मैं कभी माफ नहीं कर सकती हूं आरती, पर बात करके रख दूंगी तुम्हें। जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी तबाह की है, मैं वापस आऊंगी तूफान बनके और तेरी जिंदगी तबाह कर दूंगी।
उजाड़ के रख दूंगी सब कुछ। तुम्हें मैं जीने नहीं दूंगी आरती, कभी नहीं जीने दूंगी।